Puerto Rican. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू मेथी। ये बहुत ही आसान है बनाना और काफ़ी जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। ये जो है बारीक मेथी है, मार्केट में ईज़िली मिल जाती है और स्पेशली ठंड के मौसम में ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने 15 बंडल लिए हैं बारीक मेथी के, जिसे हमने वॉश कर रख लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इसे इस तरीके से स्लाइस किया है हमने। 3 टेबलस्पून तेल ले लेंगे हम। ये 2 आलू ले लेंगे, 2 टीस्पून नमक, 5 हरी मिर्ची ले लेंगे फाइनली चॉप्ड करके। ये मैंने 9 से 10 लहसुन ले लिया है, जिसे हमने ऐसे क्रश कर लिया है। और 3 टेबलस्पून हम फ्रेश कोकोनट ले लेंगे, जिसे हमने इस तरीके से स्क्रैप कर लिया है। तो चलिए अब हम जो है आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, उसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन। लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का सा ब्राउन होना है, बहुत ही लाइट इसके एजेस ब्राउन होना है और इसका जो भी फ्लेवर है वो पूरा ऑयल में आना है। तो चलिए अब हम जो है लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को ऐड करके हमें प्याज को भी ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें सॉफ्ट रखना है। ये देखिए इस तरीके से प्याज को सॉफ्ट रखना है। प्याज जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे आलू। आलू ऐड करके इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें। इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें मिक्स करना है अच्छे से प्याज के साथ हरी मिर्ची और आलू। इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक मेथी। ये जो मेथी हमने क्लीन करके रखा है, ये मेथी ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सब्जी है ये। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। नमक ऐड करके हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने रख देंगे। ये जो मेथी का मॉइस्चर है, उसी से ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखिए हमारी जो आलू मेथी अच्छे से कुक हो चुका है, का जो पानी वो भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्क्रैप किया हुआ फ्रेश कोकोनट। फ्रेश कोकोनट ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये फ्रेश कोकोनट से जो है इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आलू मेथी बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस मेथी में से। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके इसे बताती हूँ। ये देखिए आलू मेथी रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आलू मेथी कैसे बना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।